देखिए सरकार हमारे को हर रोज बदनाम करती है, चैनल के माध्यम से, चिट्ठियों के जरिए, प्रिंट मीडिया, दुनिया, हर आदमी उनका हमारे को बदनाम कर रहा है कि ये किसान नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं। कभी हमारे को कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, और उन्हीं का एक हिस्सा था कि वो हमारे को बार बार चिट्ठी लिख रही थी कि तुम आओ हम बात करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी हमने उसके जवाब में हमने पत्र लिख दिया कि हम 29 तारीख को 11 बजे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने फिर चिट्ठी हमारे को भेज दिया कि हम 30 तारीख को 2 बजे दोपहर को बात करेंगे। हमने उनकी वो बात भी जो मान ली कि ठीक है हम बात करने के लिए 30 तारीख को भी तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे को बार बार बदनाम कर रही है और जो हमारा एजेंडा उस एजेंडे से वो भागना चाहती है, और हम उस एजेंडे के तहत ही जब कल उनकी चिट्ठी आई हमने भी कल मीटिंग करके उसके जवाब में उसी एजेंडे पर चिट्ठी उनको भेज दी और बात होगी उसी एजेंडे पर होगी जो हमने उनको लिखकर भेजा। हमारे जो आगू लोग हैं सभी जत्थे वो सभी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सभी लोग जो ज़्यादा निर्णय हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। हमारे पीछे से जो ये हो रहा है हम इसके हक में नहीं है, क्योंकि हमने शांत में ही शुरू किया था, शांत में रखा है, शांत में ही चल रहे हैं, और जो कानून की उल्लंघना है, जो यहाँ जो टावर हमने जियो का बाइकॉट करने की अपील की, हमने ये कभी नहीं कहा कि इनके जो टावर हैं वो उखाड़े जाएं, जहाँ उनके जो हैं अपने जनरेटर वगैरह चल रहे हैं उनके उखाड़ा जाए, जहाँ उनको उठा जाए, उनका कोई नुकसान किया जाए, ये कानून की उल्लंघना हम नहीं करना चाहते। पता नहीं अब उनके जो आगे जो ऐसे काम कर रहे हैं उनमें कौन से लोग हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि जेकर आप किसानी के हित में हो तो फिर ऐसा काम कोई भी ना करे, जो पीछे हो गया है वो तो अब वापस